जैसे कि आप देख सकते हो ये 9 वाट की बॉडी है एल्युमिनियम फिलिप्स टाइप, जो कि ये 100 पीसीज आएंगे आपके। इसके साथ की ये टिकली हो गई है, ये डिफ्यूज़र हो गया है आपको वाइट मिल्क, इसमें आपको डिफ्यूज़र मिल जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, इसको बहुत ही हम सिंपल तरीके से और बहुत फास्ट बना सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कंपनी यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड में। मैं वंदना, जो कि दिल्ली ब्रांच से। आज हम एक ऐसे पैकेज के बारे में बात करेंगे जो कि आप छोटा सा इन्वेस्ट करके और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं घर बैठे। जी हाँ, मैं आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बिजनेस किट के ऊपर। जी हाँ, ये जो बिजनेस किट है आप देख सकते हो, मात्र 10,000 से कर सकते हैं आप घर बैठे एक छोटे से स्पेस में अपना बिजनेस स्टार्टअप। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये जो हमारी जो बिजनेस किट है 10,000 रुपये की बिजनेस किट है, ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे मार्केट में सेल होने वाली बिजनेस किट है। इस बिजनेस किट में क्या क्या आने वाला है तो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, ये टिक्की फिटिंग मशीन आपको दिख रही होगी, ये टिक्की फिटिंग मशीन है जिसकी सहायता से आप जितने भी जो एलईडी जो एलईडी के जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर आप एलईडी के जो जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं आप इस मशीन द्वारा आप रेडी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये टिक्की फिटिंग मशीन है जिसके साथ आपको ये दो डाई मिल जाएगी, एक 57 mm की डाई मिल जाएगी और 65 mm की आपको डाई मिल जाएगी। ये आपको हाई वोल्टेज वाले जो बल्ब होते हैं आप इस पर वाले बल्ब से बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पंचिंग मशीन है जो कि हमारी पंचिंग मशीन हैवी क्वालिटी की, 12 पिन की आपको बिजनेस किट में पंचिंग मशीन मिल जाएगी। इसका क्या वर्क रहता है, जो हमारा जो B22 कैप है इसको पंच करने के लिए काम आता है। आप यहाँ देख सकते हो, टिक्की फिटिंग मशीन हो गई, पंचिंग मशीन हो गई है और आपको सारे टूल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये 60 वाट का शोल्डरिंग आयरन हो गया है, ये हीट सिंक कंपाउंड हो गया है, ये शोल्डरिंग वायर हो गया है, आपको ये शोल्डरिंग पेस्ट मिल जाएगा। फॉर रिपेयरिंग का सामान की बात की जाए, आपको ये 1000 पीसीस का इसमें स्क्रू का पैकेट मिल जाएगा, 100 MOV मिल जाएगा इस बिजनेस किट में आपको, 100 फ्यूज़ मिल जाएंगे आपको फॉर रिपेयरिंग के लिए और इसमें 20 DOB मिल जाएगी। अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए, इसमें आपको 100 बल्ब का रॉ मटेरियल मिल जाएगा जिसमें हमारी कंपनी की तरफ से आपको 1 साल की गारंटी मिल जाएगी। कोई भी कंपनी रॉ मटेरियल की गारंटी नहीं देती है, लेकिन हमारी कंपनी आपको इस बिजनेस किट में रॉ मटेरियल की भी गारंटी देगी। 10% से ज़्यादा अगर आपकी रिप्लेसमेंट आती है तो आपका ड्राइवर MCPC भी चेंज करके दे देगी। ओनली फॉर आपको ये हमारी कंपनी यूलाइट LED लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड में देखने को मिल जाएगा, अदर कंपनी में आपको ये चीज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 9 वाट की बॉडी है एल्युमिनियम फिलिप्स टाइप, जो कि ये 100 पीसीज आएंगे आपके। इसके साथ की ये टिकली हो गई है, ये डिफ्यूजर हो गया है आपको वाइट मिल्क, इसमें आपको डिफ्यूजर मिल जाएगा। इसमें आप 9 वाट का ड्राइवर मिल जाएगा जो कि 10% से रिप्लेसमेंट ज़्यादा आती है तो आपका इस पर चेंज हो जाएगा। ये 9 वाट का ड्राइवर हो गया हैवी क्वालिटी का और ये 9 वाट की MCPC भी हो गई यूसा क्वालिटी की। इसकी ब्राइटनेस की बात की जाए, ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी और इसका लूमेंस होने वाला है आपका 140 से 145 पर LED लूमेंस होने वाला है। आपको इसमें किट में आपको ये इसमें इस रो जो रॉ मटेरियल्स होता है इसमें आपको B22 कैम मिल जाएगा। रॉ मटेरियल में आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या आता है और बिजनेस किट में आपको पता चल गया होगा कि ये क्या क्या आता है। अगर आपको इस पर कैश ऑन डिलीवरी में मंगाना है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी में भी हमारी कंपनी में बहुत ही अच्छे से ये मिल जाएगा। अगर आपको इस किट को कैश ऑन डिलीवरी के लिए मंगाना है तो इसके भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप फुल पेमेंट करते हो 10,000 रुपीज़ तो 10,000 की किट मिलेगी आपको। अगर आप चाहते हो कैश ऑन डिलीवरी तो कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगा, आपको 11,000 रुपये की किट पड़ेगी, 1,000 रुपये पहले पेमेंट करना पड़ेगा आपको और बाकी का 10,000 रुपये COD हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, आपके सामने से मटेरियल्स में उठाती हूँ कि इसको ये जो बल्ब होता है ये 9 वाट का जो इसमें रॉ मटेरियल दिया जा रहा है बिजनेस किट में, इसको कैसे रेडी करते हैं। आप ये देख सकते हो आपके सामने में, इसमें से हाउसिंग हो गया, B22 कैप हो गया, डिफ्यूज़र हो गया है, टिकली हो गया है, ड्राइवर, MCPC भी उठा के मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये रेडी होता है। ये LED बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, इसको बहुत ही हम सिंपल तरीके से और बहुत फास्ट बना सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे ये हमारा टिकली है और ये हमारा PCB है। सबसे पहला काम यही करना है कि इसके अंदर हीट सिंक कंपाउंड लगाना है। इस PCB के अंदर में पूरी तरह अच्छी तरीके से हीट सिंक कंपाउंड लगाना है।
आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हैं इस तरीके से, मतलब कोई भी तरीका इस पर छोटा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से इसमें लगा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लगाने के बाद ऐसे इसमें चिपका लेना है, इसका दो हॉल है, दोनों हॉल में ये स्क्रू टाइट कर लेना है जी। ये स्क्रू बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट होना चाहिए कि बिल्कुल टिकली के साथ बिल्कुल फिट बैठे ये। अगर इसमें ज़रा सा गैप वगैरह रहेगा तो टिकली इसका जो है पीसीबी ये ख़राब हो सकती है। उसके बाद ये होने के बाद जो है इसके अंदर हम ड्राइवर अटैच करेंगे। ये हमारा ड्राइवर है, तो ये हमने पीछे से इसका ड्राइवर निकाल लिया है। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक ये प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस प्लस पॉइंट होता है। और ये हमारे पास दो वायर है, तो जो रेड वाली वायर है ये प्लस में लगाएंगे और जो ब्लैक वाली वायर है ये माइनस में लगाएंगे। ये रेड एंड प्लस इसलिए होता है कि ये एसी वोल्ट को डीसी बना के 9 वोल्ट इसको सप्लाई करता है, तो इसीलिए इसमें दो वायर एक रेड होते हैं और एक माइनस होता है, ब्लैक वायर होता है इसमें। ये हमने रेड वायर लगा लिया है और ये हम ब्लैक वायर लगाएंगे माइनस पे। ये हमने दोनों वायर कनेक्शन कर लिया। एक्स्ट्रा वायर जो है इसका हम अंदर खींच लेंगे। उसके बाद जो हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि हमारा ड्राइवर पीसीबी सही है कि नहीं, उसके लिए हमने ये सीरीज़ बना रखा है, तो आप सीरीज़ से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्राइवर पीसीबी दोनों ओके है। ये लास्ट का वायर है, आप चाहो तो इसको छील सकते हो, आपकी इच्छा, अगर नहीं छीलना चाहो तो कम छील सकते हो। ये आपके ऊपर में ये हमारा एसी वोल्टेज का तार है, तो हमने लास्ट का वायर छील लिया है। अब जो है इसको हम हाउसिंग के अंदर सेट करेंगे। जितने भी आपके पास मटेरियल हो, 100 हो, 200, 500 हो, पहले इस तरीके से पूरा आप चेक करके उसको आप बनाएं, उसके बाद हाउसिंग के अंदर सेट करें। उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपका मटेरियल ज़्यादा वेस्टेज नहीं होंगे। तो ये हमने हाउसिंग अंदर सेट कर दिया है। ये देख सकते हैं इसके अंदर एक खांचा होता है, इन्हीं दोनों खांचे में इसको अच्छी तरीके से सेट करना होता है जिससे हिले डुले नहीं, ठीक है। ये देख लो, ये मैंने पूरा सेट कर दिया। उसके बाद ये जो है टिकली इसको अंदर थोड़ा सेट करना होता है, क्योंकि इसका एल्युमिनियम बॉडी है तो उसके साथ टच होना चाहिए। तो उसके लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास मशीन हमने सेट कर रखा है, आप ये देख सकते हैं मशीन है और ये 9 वाट का डाई इसमें सेट किया हुआ है। आप इसी तरीके से किसी उसके ऊपर सेट कर लें और ये हमने बिल्कुल प्रेस कर दिया है टिकली। उसके बाद हमारा काम जो होता है V20 कैप, तो हम V20 कैप लगाएंगे उसको, ऐसे कैसे लगा देंगे। ज़्यादा लंबा वायर है तो इसको हम थोड़ा सा काट लेंगे। ये वायर जो हमारा इसी के ऊपर रहना चाहिए, जब हम सोल्डिंग करेंगे तो इसके अंदर ये भर जाना चाहिए इस तरीके से। अब इसका हम कैप बनाएंगे। कैप कुछ बिल्कुल ऐसे आयरन रखना है आपने, इसके अंदर सोल्डिंग भराते रहना है, ये अपने आप कैप बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी है बनाना ये। हाँ जी, बहुत ईजी है, कोई भी बना सकता है। घर में बैठ के आप उसको आराम से मार्केट में सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है, अगर आपको वीट बनाने में प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास रिपीट वगैरह वाला रिपीट वीट होता है, उसका भी आप यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये हमने बना लिया है, इतना अच्छे तरीके से बना है। उसके बाद जो हमारा काम होता है पंचिंग का, ये पंचिंग है, इसके अंदर इसे कैप को लॉक करना होता है। इसको हम ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, उसके बाद हल्का सा घुमाएंगे तो हमारा कैप लॉक हो जाएगा सही तरीके से। इसको ज़्यादा घुमाना नहीं है जिससे टूट जाएगा। उसके बाद ये डिफ्यूज़र है, डिफ्यूज़र हमने इसमें सेट कर दिया। ये हमारा बल्ब हो गया रेडी बन के, बिल्कुल ईजी है, आसान तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ब्राइटनेस की बात की जाए, बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइटनेस। ये 9 वाट के हमारे जो एलईडी जो बल्ब है, बहुत ही अच्छे ब्राइटनेस के साथ ये वर्क कर रहा है। अगर आपको भी इसको ऑर्डर करना है, बिजनेस शीट को ऑर्डर करना है, ये जो स्क्रीन पे नंबर है आप इस पे जाके ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, अधिक से अधिक जानकारी भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी कंपनी में विजिट करना है, हमारी जो कंपनी का एड्रेस है 17/3 DLF इंडस्ट्रियल मोती नगर, आके आप विजिट भी कर सकते हो।